अच्छी सरकार चलाकर यहाँ दिखाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, खासकर कांग्रेस पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा कि एक दबे कुचले समाज का बेटा एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर यहाँ पर आसीन है। इसलिए इनके साथ बड़ा ही उन्होंने दुर्व्यवहार किया, अच्छा बर्ताव कांग्रेस का नहीं रहा, और जबकि कांग्रेस के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की थी। अब इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर अब ये बीएसपी के साथ आए हैं, और मैं इनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ श्री अजीत जोगी जी को कि जो आपको आज सम्मान पूर्ण कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं मिला, वो आपको बीएसपी के साथ मिलकर आपको पूरा का पूरा आज सम्मान मिला। और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इनको हर हालत में यहाँ का मुख्यमंत्री आप लोगों को जरूर बनाना है, और ये इस प्रदेश की समय जरूरत भी है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। अर्थात बीएसपी के उम्मीदवारों को भारी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर, और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के उम्मीदवारों को हल चलाता किसान चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर कामयाब बनाना है। तभी फिर यहाँ सर्व जन हिताय व सर्व जन सुखाय की सही सरकार बन सकती है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय भीम जय भारत। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र जी संघर्ष करो, नरेंद्र जी संघर्ष करो। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, छत्तीसगढ़ का सीएम कैसा हो, छत्तीसगढ़ का सीएम कैसा हो। अब मैं सम्मानित विधायक श्री अमित जोगी जी से अनुरोध करेंगे कि वो आदरणीय बहन जी को